बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उनने एक बार फिर से एक साथ 6 मिसाइलें टेस्ट की हैं। उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया ने कहा है कि किम जोंग निगरानी में ये 6 मिसाइलें जापान की ओर मुंह करके दागी गई, लेकिन ये उसके बॉर्डर से पहले ही गिर गई। अब माना यह जा रहा है कि किम जोंग उस हरकत से यूनाइटेड नेशंस को मैसेज देना चाहते हैं कि उनके प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ा है। किम जोंग उनका नया फैतरा बैन के बदले नए टेस्ट, समंदर में किम की नई सेना, किम को प्रतिबंधों का डर नहीं। अभी ज्यादा देर नहीं बीते जब उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह ने हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था। उसके बाद फिर मिसाइल टेस्ट और फिर एंटी टैंक रॉकेट टेस्ट। किम जोंग उनकी सेना के चलते ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उत्तर कोरिया पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन किम जोंग उन पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तर कोरिया पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो पिछले 20 साल में पहली बार लगाए गए हैं। इन कठोर प्रतिबंधों के जवाब में ही उत्तर कोरिया ने ये कदम उठाया है। अपनी न्यूक्लियर गतिविधियों पर पाबंदी के बाद भी उत्तर कोरिया का यह कदम उसकी नाराजगी को साफ जाहिर करता है। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने ईस्टर्न कोस्ट में 100 से 150 किलोमीटर रेंज वाली 6 मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइल टेस्ट सुबह 10 बजे किया गया। इन सभी मिसाइलों को जापान की ओर टारगेट किया गया था, हालांकि मिसाइलें बॉर्डर से पहले ही गिर गई। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया ने अपने नए पोर्टेबल एंटी टैंक वेपन बुलसे 3 के टेस्ट का भी दावा किया था। किम ने इस वेपन के बारे में कहा था कि ये दुश्मनों के टैंक को उबले कद्दू में बदल देगा। फिलहाल साउथ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात की जांच कर रही है कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइलें थी या रॉकेट। याद दिला दें कि पिछले महीने ही नॉर्थ कोरिया ने लॉन्ग रेंज रॉकेट और जनवरी में कथित हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था। इसके बाद बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते यूएन को नए प्रतिबंध लगाने पड़े थे। इन प्रतिबंधों के तहत समुद्र और हवाई रास्ते से नॉर्थ कोरिया में जाने वाले सभी कार्गो की जांच की जाएगी। नॉर्थ कोरिया को छोटे हथियारों की बिक्री पर भी बैन लगाया गया है और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट्स को निकाला जाएगा। किम जोंग उन जिस तरह परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है उससे तो यही लगता है कि उसे यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिबंधों का कोई डर नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने 1985 में एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि को मंजूर किया था, जिसके तहत वो एक्टिव तौर पर न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन उसने समझौते को नहीं माना। 2003 में नॉर्थ कोरिया ने खुद को इस एग्रीमेंट से अलग करने का ऐलान कर दिया। 2011 में किम जोंग उन सत्ता में आया और तब से वो लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका समेत उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश बेचैन हैं। लेकिन सन की तानाशाह किम जोंग उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आज भी वो अपनी जनता की प्रगति और उनकी भूख के बदले परमाणु हथियारों के बारे में ही सोच रहा है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम की हरकतों की वजह से इलाकों में अक्सर टेंशन बढ़ी रहती है। कभी किम भड़काऊ बयान देते हैं तो कभी मिसाइल या बम टेस्ट करते हैं, और जब कोई किम के इन कदमों पर सवाल खड़े करता है तो वो हमले की धमकी देते हैं, पर इस बार तो किम ने हद पार कर दी है। खबरें हैं कि किम ने साउथ कोरिया पर हमले की तैयारी करने का आदेश दिया है। किम कर रहा है जंग की तैयारी, साउथ कोरिया बनेगा निशाना। क्या होगा सन की किम का अगला कदम? दो देशों के बीच दशकों पहले पनपी नफरत कब जंग की शक्ल अख्तियार कर ले, कहा नहीं जा सकता। कोरियाई प्रायद्वीप के ऐसे ही दो देश हैं, नॉर्थ और साउथ कोरिया। 1953 में दोनों देशों के बीच शांति समझौता तो हुआ, लेकिन सीमा आज तक तय नहीं है, और यही वजह है कि अक्सर इन दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर रहता है, और ऐसा ही कुछ माहौल आजकल भी है। साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने साउथ कोरिया पर हमले की तैयारी करने के आदेश दिए हैं। साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने रूलिंग पार्टी सेनुरी को गुरुवार को इस खतरे से आगाह किया। स्पाई एजेंसी ने कहा कि किम जोंग उन के आदेश पर नॉर्थ कोरियन स्पाई एजेंसी ने साइबर और दूसरे हमले करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमले की प्लानिंग पर काम कर रहा हो, बल्कि इससे पहले भी वो धोखे से साउथ कोरिया पर हमले कर चुका है। 2010 में उसने साउथ कोरिया पर गोलीबारी की थी, तब 4 नागरिक मारे गए थे। वहीं 1987 में एक साउथ कोरियन पैसेंजर प्लेन पर हमला कर 115 लोगों की जान ले ली थी। इसीलिए साउथ कोरिया स्पाई एजेंसी ने वार्निंग दी है कि नॉर्थ कोरिया हमले में अपने विरोधियों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बना सकता है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से हमले की तैयारी की खबरें ऐसे वक्त पर आई हैं, जबकि बुधवार को 4 अमेरिकी F-22 बॉम्बर्स ने साउथ कोरिया के आसमान में उड़ान भरी थी, जिसे नॉर्थ कोरिया के लिए चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी F-22 विमान को रडार भी नहीं पकड़ सकता। अमेरिका खुलकर साउथ कोरिया का समर्थन करता है, लेकिन अपनी सनक के लिए दुनिया में बदनाम किम कब क्या फैसला लेगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए साउथ कोरिया हमले की खबरें सामने आते ही सावधान हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया पर हमले की तैयारी की खबरें तब सामने आई थी जबकि फरवरी में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने नॉर्थ कोरिया को खुली चेतावनी दी थी। पार्क म्यून हुई ने किम को साफ कहा था कि अगर नॉर्थ कोरिया ने एटमी प्रोग्राम नहीं रोका तो वो नॉर्थ कोरिया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। किम जोंग उनको मिलेगा करारा जवाब, एक महिला ने दी किम को धमकी। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट की ललकार, एटमी प्रोग्राम नहीं रोका गया तो नॉर्थ कोरिया के करेंगे टुकड़े टुकड़े। अपने 70 से ज्यादा करीबियों और अधिकारियों को मौत के घाट उतार चुके किम जोंग उनको पहली बार किसी ने धमकी दी है, पहली बार किसी ने इस सन की तानाशाह को चुनौती दी है, पहली बार किसी ने नॉर्थ कोरिया के शासक किम के खिलाफ मोर्चा खोलने की हिम्मत दिखाई है। अपनी सनक को लेकर दुनिया में बदनाम हो चुके किम को इस बार साउथ कोरियन प्रेसिडेंट पार्क ग्यून हुई ने खुली चेतावनी दी है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने अपना एटमी प्रोग्राम नहीं रोका तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हुई ने कहा कि अगर इस बार नॉर्थ कोरिया कुछ ऐसा करता है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट पार्क ग्यून हुई का यह बयान नॉर्थ कोरिया की तरफ से हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग और भड़काऊ बयानों के बाद आया है। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया के सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी हत्या कर दी जानी चाहिए, और इस तानाशाह की हत्या ही उसे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने से रोक सकती है। ये किम की जिद ही है कि यूएन के बैन के बावजूद ये देश अब तक 3 न्यूक्लियर टेस्ट और 1 हाइड्रोजन बम टेस्ट कर चुका है, जबकि एक हफ्ते पहले 7 फरवरी को नॉर्थ कोरिया ने लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च की थी। हालांकि किम जोंग उनके अफसरों ने इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च बताया था, लेकिन अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान समेत कई बड़े देशों ने इसे मिसाइल टेस्ट बताया था। इससे पहले साल की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम टेस्ट कर दुनिया को चौंकाया था। नॉर्थ कोरिया ने 6 जनवरी को किम जोंग उनके बर्थडे से पहले हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था।
किम वही करता है जो चाहता है। लेकिन अब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट की तरफ से मिली धमकी को लेकर किम को वाकई गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान ने कड़ी कार्रवाई की तो दुनिया के नक्शे से नॉर्थ कोरिया का नामो निशान मिटने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अब बात आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी की, जो पैसे कमाने के लिए अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कमेटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करके आईएसआईएस हर महीने 125 करोड़ रुपए कमा रहा है। बगदादी के आतंकियों की फौज सीरिया और इराक के इलाके में मौज कर रही है। अमेरिका भले ही आसमान से बम बरसा रहा हो, लेकिन अब भी पूरी तरह आतंकियों का सफाया नहीं हो पाया है। उल्टे जो आतंकी वहां बचे हैं वो खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। आतंकी गतिविधियां आसानी से चलती रहे, इसके लिए आतंकी खूब फंड जुटाते हैं और पैसे का यही खेल युवाओं को आईएसआईएस की तरफ खींच लाता है। आईएसआईएस के पैसे कमाने के अवैध तरीकों के बारे में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस स्टॉक मार्केट में भी एंट्री कर चुका है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस इराक के बैंकों से लूटे गए फंड को मिडिल ईस्ट के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। रिपोर्ट कहती है कि लूटे हुए पैसे को जॉर्डन के बैंकों के जरिए इन्वेस्ट किया जा रहा है और फिर बगदाद के रास्ते पैसे आईएसआईएस तक पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, इराक और जॉर्डन की ही कुछ फाइनेंशियल अथॉरिटीज ही इस काम में मदद कर रही हैं। कमेटी का कहना है कि ये सब कुछ बैंकर्स की नाक के नीचे से हो रहा है। हालांकि ब्रिटेन का मकसद इसे पूरी तरह खत्म करना है। आईएसआईएस के इस गेम का खुलासा पहले भी हुआ था, तब अमेरिका ने कई करेंसी एक्सचेंज हाउसेस और आईएसआईएस की सांठगांठ का शक जताया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इराक ने 142 करेंसी एक्सचेंज हाउसेस को ब्लॉक किया था। ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस बैंकों से लूटे गए फंड को इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2014 में आईएसआईएस ने इराक के एक बैंक से 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश लूटा था और इसका बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। स्टॉक मार्केट में आईएसआईएस का बढ़ता दखल खतरे की घंटी है, क्योंकि आतंक का ये पैसा पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मुश्किल में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस दुनिया में सबसे ज्यादा फंड पाने वाला आतंकी संगठन बन गया है और इस संगठन की हर महीने 530 करोड़ रुपए कमाई होती है। तो आखिर ये सब आता कहां से है इतना पैसा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आईएसआईएस वो आतंकी संगठन जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, जिसका मकसद इंसानियत का खात्मा है, जो मासूमों और मजलूमों का खून बहा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर आईएस के पास इतनी दौलत आती कहां से है, जिसका इस्तेमाल वो दुनिया में तबाही और आतंक मचाने के लिए कर रहा है। तो आइए इस हकीकत से भी आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल ब्रिटेन की एक आर्थिक संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को हर महीने करीब 8 करोड़ डॉलर यानी लगभग 530 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। यानी आईएस दुनिया में सबसे ज्यादा फंड पाने वाला आतंकी संगठन है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएस की आधी आमदनी उसके कब्जे वाले इलाकों में वसूले गए कर और जब्त की गई संपत्ति से मिलती है। आईएस की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तेल के व्यापार से होता है। आईएस को तेल के व्यापार से 43% और बाकी आमदनी नशीले पदार्थों की तस्करी, पुरातन वस्तुओं की तस्करी, आपराधिक गतिविधियों और चंदे से होती है। दूसरे देशों से आए लड़ाके आईएस ज्वाइन करते हैं और अपने साथ बड़ी रकम लेकर आते हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक आईएस को विदेशी स्रोत से काफी कम आर्थिक मदद मिलती है। रेंड कॉरपोरेशन के आकलन के मुताबिक आईएस का टोटल रेवेन्यू साल 2008 में
हर महीने 10 लाख डॉलर से थोड़ा कम था, जो साल 2009 के शुरुआती महीनों में हर दिन शायद 10 लाख डॉलर और साल 2014 में हर दिन 30 लाख डॉलर का हो गया। हैरत की बात यह है कि आतंकी हमलों और जंग छेड़ने के अलावा भी आईएस के बहुत खर्चे हैं। इनमें स्कूल चलने, धार्मिक पुलिस बल, रसोई घरों, इस्लामिक अदालती व्यवस्था का संचालन भी शामिल है। इतना ही नहीं, इस्लामिक स्टेट अपने लड़ाकों को हर महीने लगभग 400 डॉलर देता है, जो इराकी सरकार के कई कर्मचारियों को मिल रहे वेतन से ज्यादा है। आईएस अपना सालाना बजट भी तैयार करता है। आईएस ने अपना एक केंद्रीय बैंक भी स्थापित कर रखा है। यानी गलत तरीकों से कमाई गई बेशुमार दौलत को ये आतंकी संगठन दुनिया में आतंक फैलाने और खून खराबा मचाने के लिए कर रहा है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। लैटिन अमेरिका में इन दिनों प्रकृति की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ जहां पेरू और बोलिविया में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया हुआ है, दोनों देशों के कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं और इसी बाढ़ के चलते हजारों लोगों को वहां पर बेघर होना पड़ रहा है, सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। तो वहीं इक्वाडोर का टुगरू हुआ ज्वालामुखी एक बार फिर से फट पड़ा है। तेज धमाके से फटे इस ज्वालामुखी से निकला राख और धुएं का गुब्बार आसमान में छाया हुआ है। वहीं काफी तादाद में लावा निकल रहा है, जिसको देखते हुए आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब हम बात करते हैं एक नई बायोलॉजिकल इन्वेंशन की। हमने बालों के सफेद होने की प्रॉब्लम्स अक्सर देखी है, लेकिन इसका प्रॉपर इलाज अब तक नहीं ढूंढा जा सका है। और ऐसे में जब एक्सपर्ट्स ने बालों की सफेदी के लिए जिम्मेदार जीन्स की खोज निकाली है मेडिकल साइंस में, इस खोज की वजह से हो सकता है जल्द ही हेयर ग्रोइंग का इलाज भी खोज निकाला जाए। दुनिया में इस वक्त एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कम उम्र में बाल सफेद होने की प्रॉब्लम को फेस कर रही है। ग्रे हेयर छिपाने के लिए लोग अलग अलग तरह के तरीकों को आजमाते हैं, कई बार हेयर कलरिंग तो कई बार आयुर्वेदिक तरीकों से इसे छिपाया जाता है। ऐसे लोगों के लिए अब उम्मीद की किरण चकी है। पहली बार इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम ने बालों के सफेद होने के पीछे के जीन का पता लगा लिया है। अब तक हेयर ग्रोइंग के पीछे एनवायरमेंटल इश्यूज को जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे जेनेटिक कंपोनेंट्स यानी डीएनए जिम्मेदार है। इस रिसर्च के लिए लैटिन अमेरिका के अलग अलग नस्ल के 6000 लोगों पर स्टडी की गई है। इस दौरान बालों के रंग, डेंसिटी और टेक्सचर के साथ जुड़े हुए जीन की पहचान की गई है। सिर्फ ये जीन ही एक कारण है जिसकी वजह से कुछ लोगों के बाल पहले और कुछ लोगों के बाद में सफेद होते हैं। इस जीन के अलावा बाकी फैक्टर्स जैसे डाइट और दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं प्रीमैच्योर ग्रोइंग में, बट जो मुख्य कारण है वो जेनेटिक ही है। स्टडी के मुताबिक एक नया जीन IRF4 पहचाना जा सका है। हालांकि इसे बालों के रंग में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था, लेकिन पहली बार बालों के सफेद होने से इसके संबंध के बारे में जानकारी मिली है। ये जीन मेलेनिन के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है और मेलेनिन ही हेयर, स्किन और आंखों का रंग तय करता है। मेलेनिन कम होने की वजह से बालों का रंग सफेद होने लगता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एंडर्स रूज लॉयनर्स का कहना है कि इस रिसर्च से पहली बार बालों के जेनेटिक रिलेशन की खोज हुई है। हालांकि ये बात पहले ही पता थी कि हेयर ग्रोइंग अनुवांशिक कमी है। खोजा अभी है, पर ये तो जेनेटिकली डिटरमिंड होती ही है प्रीमैच्योर ग्रोइंग। अब हम ये नहीं कह सकते कि इन्हीं कुछ सालों में हम कह सकेंगे भी जेनेटिक है प्रीमैच्योर ग्रोइंग। प्रीमैच्योर ग्रोइंग शुरू से जेनेटिक मानी जाती थी, बट सिर्फ ये है कि उसका जीन जो कि इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है उसकी खोज हो गई। इस रिसर्च टीम ने IRF4 के अलावा कुछ और जीन्स की भी खोज की है। इनमें शामिल IDAR जीन दाढ़ी के बालों की थिकनेस और टेक्सचर को तय करता है, जबकि FOXL2 आईब्रोज की थिकनेस से संबंधित होता है। ये रिसर्च मेडिकल फील्ड में एक नया कारनामा है, जिसके तहत अब कम उम्र में बालों के सफेद होने की समस्या का निदान ढूंढा जा सकता है। फिलहाल इस रिसर्च को मेडिकल रिसर्च जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश किया गया है। और खास बात तो ये है कि ये रिसर्च महज मेडिकल सॉल्यूशन नहीं है,
बल्कि फॉरेंसिक और एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड में भी उपयोगी साबित हो सकता है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। बात उत्तराखंड की करते हैं। यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स में अब गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि वो जो रकम गरीब बच्चों की फीस के रूप में प्राइवेट स्कूल्स को देती है, उसे प्राइवेट स्कूल्स को देने के जगह अपने स्कूलों का स्तर सुधारने में लगाएगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार के एक फैसले ने उन ग्रामीणों को बड़ा झटका दिया जो गरीबी कोटे के तहत अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। दरअसल सरकार प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में कोटे को खत्म करने का विचार कर रही है, यानी फीस की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी और अगर सरकारी कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को वहां पढ़ाई करानी है तो उन्हें खुद फीस का इंतजाम करना होगा। सरकार के इस फैसले से लोगों में भारी नाराजगी है। गरीबों का जो 25% जो कोटा था समाप्त करने की बात की, उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने ये नहीं देखा है कि गरीब बच्चे जो है पिछड़ क्यों रहे। गरीब बच्चे के पिछड़ने का कारण, पहले कारण ये है कि सरकार जो गरीब बच्चों का एडमिशन कर रही है वो फर्स्ट से कर रही है और बाकी सरकार प्राइवेट स्कूलों जो चला रही है वो नर्सरी से चला रही है, तो सबसे बड़ा गोलमाल तो यहाँ है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे खासे और अच्छे नंबर भी ला रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, और अगर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे, ये इस तरह एडमिशन मतलब खत्म कर जा रहे हैं, तो कैसे उनकी परवरिश कैसी होगी मतलब। उधर उत्तराखंड सरकार का कहना है कि वो अपने स्कूलों का स्तर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा जो रकम प्राइवेट स्कूलों को फीस के रूप में दी जा रही है उससे स्कूलों की हालत को सुधारने में मदद मिलेगी और सरकार चरणबद्ध तरीके से प्राइवेट स्कूलों से सरकारी कोटे के तहत पढ़ाई कर रहे बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिला दिलाएगी। पुनर्विचार कर रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल जो है उसे बिल्कुल बंद हो जा रहे हैं, उसको जरा सा देखना पड़ेगा कि टोटल लाभ और हानि की स्थिति क्या है। अब हम मॉडल विद्यालय जब बना रहे हैं, शिक्षा के स्तर को जो है हम उच्चीकृत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उन मॉडल विद्यालयों में उसी उस पर जो है उन बच्चों को पढ़ाया जाए। गणित अंग्रेजी दोनों का हम संज्ञान करवा रहे हैं। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। कहीं स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षक नहीं, कहीं भवन है तो वहां ना ही स्टूडेंट्स हैं और ना ही टीचर्स की ही तैनाती की गई। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा बदतर हो चुकी है, लिहाजा जिन जगहों पर संभव हो पा रहा है वहां लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। सरकार के फैसले से उन गरीब बच्चों को मुश्किलें पेश आएंगी जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर बेहतर जिंदगी का सपना देख रहे हैं। श्रीनगर से कपिल पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। चलिए अब आपको मिलाते हैं एक 77 साल के शख्स से जिन्होंने 47 साल पहले एक जिद ठानी और आज तक उस जिद को पूरा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हर साल नाकामी हाथ लगती है इन्हें, लेकिन जिद को पूरा करने की लालसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये रिपोर्ट देखिए। इनकी उम्र 77 साल है और ये ऐसे पढ़ रहे हैं मानो ये बोर्ड के पेपर देने जा रहे हों और इनका एक ही मिशन हो कि इस बार 10वीं पास होना ही है। लेकिन अगर कहें कि सच में बात यही है तो आप क्या कहेंगे? आई एम नॉट वीक, आई ट्राइंग टू पास 10th क्लास। I am trying to pass of 10th class. है ना हैरान करने वाली बात? लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि राजस्थान के बहरौड तहसील के खोहरी गांव में रहने वाले शिवचरण पहली बार 10वीं की परीक्षा नहीं दे रहे हैं। अब की बार मैं 27 बार परीक्षा दे रहा हूँ। 1979 से 10वीं की परीक्षा दे रहा हूँ मैं। जी हाँ, 47वीं बार शिवचरण पेपर दे रहे हैं। दरअसल 40 साल पहले शिवचरण ने ठान ली थी कि वो 10वीं पास करने के बाद ही शादी करेंगे और सोचिए जिद भी ऐसी कि ये खुद 77 साल के हो गए हैं। 40 बार ये 10वीं की परीक्षा को पास नहीं कर पाए, लेकिन ठान लिया कि 10वीं पास करके ही रहेंगे। हमारे बाबा शिवचरण जी हैं, ये 47वीं बार परीक्षा दे रहे हैं अब की बार,
और इनकी जिद थी, इनके हमारे बुजुर्ग बताते हैं पहले से जब इनके रिश्ते के लिए आए थे तो इन्होंने कहा कि जब तक मैं 10वीं क्लास पास नहीं कर लेता उससे पहले मैं शादी नहीं करूंगा, और इसी जिद पे आज तक कायम है। दरअसल छोटी सी उम्र में ही शिवचरण के माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया। शुरुआत में नाते रिश्तेदारों ने ख्याल रखा, पर बाद में ये अकेले रह गए। खेती बाड़ी से गुजर बसर हो जाया करती थी। इसी दौरान शादी के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन कई लोगों ने 10वीं पास करने पर ही शादी हो पाने की शर्त रखी। ये बात शिवचरण के दिल को छू गई, ऐसे कचोट गई कि उन्होंने ठान ली कि वो 10वीं पास करने के बाद ही शादी करेंगे। इनके परिवार भी है घर में, उनको वहाँ रहना नहीं चाहते ये, बाकी परिवार भी इनका अच्छा है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। इनका ध्येय है कि मंदिर में रहना, और पहले भी ये पुरानी हवेली थी तो अकेले रहते थे, गाय चराते थे।